गंडक नदी में जल स्तर कम होने के जस्ट बाद से ही कटाव शुरू हो गया है। दुर्भाग्य है इस गांव का, दुर्भाग्य हमारे प्रतिनिधि लोगों का कि अभी तक कोई सुध लेने तक नहीं आया। किस हाल में मेरा जनता है। सारा लोग अपना घर तोड़ तोड़ कर या जतर ततर बिग रहे हैं, हटा रहे हैं। कम हो गया, कटाव तेजी से बढ़ गया। तो हम अपना घर तोड़ कर यहाँ से जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना शरण ले। लोग अपना अपना पक्का मकान, कच्चा मकान तोड़ तोड़ कर यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ कोई विधायक एमपी नहीं आकर दिख रहा है। कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी खून पसीने की कमाई अर्जित करता हो, आसियाना बनाता हो, और उस व्यक्ति को अगर देखा जाए कि अपने आसियाने को अपने ही हाथों से तोड़ रहा, कैसा लगेगा? आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों। मैं वैसे ही एक मार्मिक तस्वीर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ अपने आसियाने को अपने हाथों से तोड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। मामला पश्चिम चंपारण के बेतिया के योगापट्टी प्रखंड के सिसवा मंगलपुर का है, जहां पर गंडक जो उफान पर थी और गंडक का उफान जब कम हुआ तो अब कटाव का दौर शुरू हो गया है। और कटाव का विभत्स चेहरा ऐसा है कि वहां के लोग अपने आसियाने को जल्दी जल्दी तोड़ करके ईंट बचाने में लगे हुए हैं। आप तस्वीर देखिए, बहुत ही मार्मिक है। इस तस्वीर को आप देखेंगे, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी खून पसीने की कमाई की, पैसा अर्जित किया, आशियाना बनाया और आशियाने को तोड़ने पर मजबूर हुआ, उस व्यक्ति का वक्तव्य भी सुन लीजिए, उसकी दर्दनाक कहानी सुन लीजिए, क्यों मजबूर है अपने पूरे परिवार के साथ अपने ही आसियाने को उजाड़ने के लिए। गंडक नदी में जल स्तर कम होने के जस्ट बाद से ही कटाव शुरू हो गया है और उसके बाद से दर्जनों घर यहाँ पर पलायन हो चुका है। हम लोग यहाँ से ब्लॉक स्तर पर सीओ साहब को भी आवेदन दे चुके हैं, जिला में जाकर जिला स्तर पर SDO साहब को भी दे चुके हैं, लेकिन हम लोग को कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ से पलायन करके अब लोग अपने घर और तोड़ कर लेकर जा रहे हैं सुरक्षित जगह पे। यहाँ पे कटाव लगभग 2 माह हो गया कटाव करते हुए, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी के द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं किया गया, न CO साहब के द्वारा कोई व्यवस्था किया गया, न जिला अधिकारी के द्वारा कोई व्यवस्था किया गया। तो ये एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे कई पीड़ित हैं, उनकी भी बात आप सुनिए ना। कम हो गया, कटाव तेजी से बढ़ गया। तो हम अपना घर तोड़ कर यहाँ से जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना शरण ले। दुर्भाग्य है इस गांव का, दुर्भाग्य हमारे प्रतिनिधि लोगों का कि अभी तक कोई सुध लेने तक नहीं आया। किस हाल में मेरा जनता है, कितने दिन से कटाव हो रहा है, खाप घर कितना कट गया, अब सिसुआ में घुस गया है, कि कोई अभी तक देखने के लिए नहीं आया। किस हाल में लोग है, नदी का रफ्तार तेज हो गया है, पानी कम होने के कारण और तेजी से कट रहा है। देखिए सामने घर सब टूट रहा है, हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। नदी के कटाव से सिसवा मंगलपुर गांव में कटाव जारी है, पानी बहुत कम हो गया है फिर भी कटाव जारी है। सारा लोग अपना घर तोड़ तोड़ कर या जतर ततर बिग रहे हैं, हटा रहे हैं। गंडक बराज के पानी कम होते ही योगापट्टी प्रखंड के सिसवा मंगलपुर पंचायत में दर्जनों गांवों में कटाव तेजी से जारी हो गया है। लोग अपना अपना पक्का मकान, कच्चा मकान तोड़ तोड़ कर यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिला प्रशासन से लेकर प्रखंड प्रशासन तक के कोई भी अफसर, कोई भी पदाधिकारी यहाँ हालचाल पूछने या देखने आज तक नहीं आए हुए हैं। दुर्गापट्टी प्रखंड के सिसवा मंगलपुर पंचायत के सिसवा ग्राम के निवासी हैं और नदी के कटाव के चलते अपना घर तुड़वा रहे हैं। यहाँ कोई विधायक एमपी नहीं आकर दिख रहा है, हम लोगों का दशा बहुत खराब हो गया है। और ये मामला इस साल का नहीं है, ये हर साल का मामला है। हर साल बाढ़ आती है,
हर साल सैकड़ों लोगों के आसियाने को बहा करके ले जाती है, घर द्वार सब कुछ बर्बाद कर जाती है, जीव जंतु जो भी पाले हुए रहते हैं उसको भी लेकर के जाती है, जाल माल सब कुछ लेकर के चली जाती है ये बाढ़। सैकड़ों लोगों का घर तबाह बर्बाद हो जाता है, लेकिन सरकार देखती रहती है, शासन प्रशासन देखता रहता है। क्यों देखता रहता है, क्यों है शासन प्रशासन, क्यों लोग चुनते हैं सरकार? सवाल यह है, सुशासन बाबू हैं हमारे सरकार, जिनको तख्तोताज दिया गया है कि वो हमारी बेहतरी के लिए काम करेंगे। और गंडक तो हर साल उफान पर होता है, हर साल नदियों का जलस्तर बढ़ता है, हर साल लोग तबाह बर्बाद होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? क्यों नहीं व्यवस्था बनाई जाती कि लोगों के आसियाने बच जाएं? लोग जिस आसियाने को बनाने के लिए जीवन पर्यंत मेहनत करते हैं, उस आसियाने को तोड़ने में कितना दर्द होता होगा, ये समझने की जरूरत है। ये पूरा मामला बापू के चंपारण के बेतिया के योगा पट्टी का है, जहां के लोग अपने आसियाने को कटाव से बचाने के लिए तोड़ रहे हैं ताकि ईंट तो बच जाए। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।